Am I audible? Am I, am I audible and visible to you? Hi. Hi, everyone. Am I audible? Am I visible to you? Am I clear? हाय एवरीवन आई एम ऋतु रतवाल आई एम नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट ये क्लास मैंने आज चार बजे भी करने की कोशिश की थी बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ में ये क्लास नहीं ले पाई थी सो so, दो तीन क्वेश्चंस मैंने इसमें करा दिए थे बट जो बच्चे नए हैं जो पहली बार ज्वाइन करे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं उनसे मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ पहले दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज़ जो कि प्लस टू का लास्ट चैप्टर है इकोलॉजी की वेटेज अच्छी खासी रहती है नीट में मतलब हर चैप्टर से अराउंड दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं ज़्यादा ही आ सकते हैं दो क्वेश्चन से कम नहीं आते हैं सो so, इकोलॉजी के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑलमोस्ट आप लगा लो थर्टी एट चैप्टर्स है तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से दो क्वेश्चन आते हैं तो वही इकोलॉजी का वेटेज है सो इन्वायरमेंटल इश्यूज मैं यूट्यूब पे करा चुकी हूँ मैंने और मेरी टीम ने एन की एक एक लाइन उठा के उसमें से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है और यदि आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने एन अभी ठीक से नहीं पढ़ी आपको एन और ज़्यादा अच्छी तरीके से रिवाइज करने की ज़रूरत है सो so, ये फिफ्टी क्वेश्चन हैं ऐसे ही फिफ्टी क्वेश्चन आज मैंने स्पेशल क्लास में लगाए थे सो so आप वो स्पेशल क्लास जाके चेकआउट कर सकते हैं आपको स्पेशल क्लासेस कैसे लगानी होती है आपको अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होती है वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल ढूंढनी होती है रितु रतेवाल लिख के एंड वहाँ पे मेरी प्रोफाइल में नीचे स्पेशल क्लास आ जाएगा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ टफ़ क्वेश्चन करके एक क्लास आ जाएगी उसका पी मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है टेलीग्राम है ऋतु रतेवाल ऑफिशियल सो जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे ताकि हम ये टेस्ट कंडक्ट कर सकें पहले दो तीन क्वेश्चन आप लोगों को आते ही हैं तो वो मैं दोबारा से आप लोगों को नहीं कराऊंगी मैं डायरेक्टली फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी क्योंकि पहले तीन क्वेश्चन आप लोग पहले ही कर चुके हो आ, जो बच्चे नए हैं जो पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं लगाई थी अन अकेडमी का ऑफलाइन सेंटर चंडीगढ़ में खुल चुका है और कल उसका इनाग्रेशन है जहाँ पे मैं तमन्ना मैम प्रणव सर और विनीत लुम्बा सर आपसे मिलने आएंगे प्लस हमारी जो ऑफलाइन की पूरी टीम होगी वो वहाँ पे प्रेजेंट होगी एंड वी विल बी हैविंग अ मीट एंड ग्रीड सेशन विद यू ऑल्सो वी विल बी हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सेशन्स कि आप दो की तैयारी कैसे कर सकते हैं कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कैसे कर सकते हैं दो वाले बच्चे कैसे तैयारी कर सकते हैं हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे ऑल्सो वेरी स्पेशल गेस्ट इज कमिंग जो कि मुझसे बहुत क्लोज हैं मेरे फैमिली रिलेशन में बट वो मैं कल ही बताऊंगी आपको सेंटर पे वो आ रहे हैं कल सेंटर का इनॉग्रेशन करने के लिए सो so, अगर आप चंडीगढ़ में या उसके आसपास हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं चंडीगढ़ सेंटर कल 12 बजे के लिए चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो एनवायरमेंटल इशू से हमने देखा था जो बच्चे नए हैं मैं थोड़ा सा बता देती हूं अजर्शन रीजन का क्वेश्चन था पहला अजर्शन था पोल्यूशन इज एनी डिजायरेबल चेंज इन एयर लैंड वाटर और सोइल ये अजर्शन ही गलत हो गया था क्योंकि पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज ये डिजायरेबल चेंज नहीं होता एनसीआरटी की लाइन है तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे क्वेश्चन में रीजन ह्यूमन पॉपुलेशन साइज हैज ग्रोन इनॉर्मसली ओवर हंड्रेड ईयर्स ये ट्रू स्टेटमेंट है हम फोर्थ हमारा आंसर बन जाएगा बिकॉज एजर्शन इज इन करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट सेकेंड क्वेश्चन था स्टेटमेंट वन टू का ये वाली स्टेटमेंट सही थी कि इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ कमोडिटीज आर एक्सर्टिंग ट्रमेंडस प्रेशर ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज हैंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पोल्यूशन ये एनसीआर टी की लाइन है ये स्टेटमेंट गलत थी द नीड ऑफ द आवर इज टू चेक द डिग्रेडेशन एंड डिप्लूटेशन यहां तक तो सही है कि भैया हमें नेचुरल रिसोर्सेज को खराब होने से रोकना है लेकिन ये वाला पार्ट गलत था इवन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मतलब स्टॉप्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट भी चलते रहना चाहिए हम उसे रोक नहीं सकते NCRT की लाइन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन ओके दो ही क्वेश्चन हुए थे थर्ड क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे मैं आप लोगों के आंसर्स का वेट करूंगी आप लोग जैसे ही आंसर देंगे मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इन ऑर्डर टू कंट्रोल पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन विच ईयर एनसीआरटी में तीन चार एक्ट के ईयर्स दिए हुए वो आप लोगों को आने चाहिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन महेश पूछ रहा है कि मैम सेकंड वाला दोबारा बताना महेश सेकंड का जो स्टेटमेंट टू है एनसीआरटी में स्टेटमेंट है कि हमें पोल्यूशन रोकना है लेकिन हमें डेवलपमेंट का काम भी नहीं रोकना क्योंकि डेवलपमेंट से पोल्यूशन हो रहा है ठीक है लेकिन डेवलपमेंट का काम हम रोक नहीं सकते ये एनसीआर में लाइन है मैंने चेंज कर दी थी कि पोल्यूशन रोकना है चाहे डेवलपमेंट रोकनी पड़े उसके लिए तो मैंने उसको चेंज कर दिया था भैया जो ये क्या कहते हैं प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में पास हुई थी आपको सारी एक्ट्स याद होनी चाहिए वाटर एयर एयर की अमेंडमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये मैंने आपको याद कराया हुआ है लेक्चर के समय बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। एयर पोल्यूशन के जो आ, आ, जो हार्मफुल इफेक्ट है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करेंगे एन में एक पैराग्राफ है कि एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा उस पे क्वेश्चन है आप जब आंसर करते हैं चैट में तो आप प्लीज इस तरीके से आंसर कीजिए क्वेश्चन फोर लिखिए उसके आगे अपना आंसर लिखिए क्योंकि आंसर थोड़ा लेट मिलते हैं मुझे तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं देखते हैं बेटा कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर है पोल्यूटेंट का इस पे डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर पोल्यूशन का इफेक्ट देखना है उस पर डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इस डिपेंड करता है आंसर हमारा ये है, पे नहीं करता, so, का क्या है आपके आसपास उस पर बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करता एयर पॉल्यूटेंट का इफेक्ट क्वेश्चन नंबर फाइव दो स्टेटमेंट्स हैं आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है देखते हैं स्टेटमेंट वन एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर वाटर और सॉइल आर कॉल्ड पोल्यूशन इज कॉल्ड पोल्यूशन स्टेटमेंट टू ऑक्सीजन गैस रिलीज फ्रॉम द स्मोक स्टैक्स ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैशियस पोल्यूटेंट यानी कह रही है थ्री स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट टू इज इन करेक्ट ए बी एस एस कह रहे हैं थ्री जगदीश कह रहे हैं थ्री निरंजन कह रहे हैं थ्री थ्री सही उत्तर है स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट है ये बिल्कुल एनसीआर का स्टेटमेंट है इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑक्सीजन गैस जैसी चीजें स्मोक स्टैक से निकलती हैं बट दे आर नॉट पॉल्यूटेंड्स ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस ये हार्मलेस गैसेज हैं जो स्मोक स्टैक से निकलती हैं। जो हार्मफुल चीजें हैं वो ऑक्सीजन गैस इज नॉट हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर जो निकलता है स्मोक स्टैक से वो हार्मफुल है ठीक है और कोई एसओ टू मान लो निकल रही है वो हार्म हार्मफुल है ऑक्सीजन नाइट्रोजन दे आर नॉट हार्मफुल नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड और टेक्निक फॉर रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एयर पार्टिकुलेट मैटर रिमूव करने का मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक कौन सा है एनसीआरटी की लाइन है ये क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर टू है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर सबसे वाइडली यूज्ड मेथड है एनसीईआरटी की लाइन है जहां पे वो डायग्राम्स दिए हुए हैं उसके नीचे एक एक लाइन दी हुई है छोटी सी सो so ये आपको याद रखना है बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे लाइनें स्किप कर देते हैं अगर आप ये लाइनें स्किप करेंगे तो नीट में आपके 360 में से 360 आने के चांसेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे

इसका आंसर है नन ऑफ दीज कोरोना डिस्चार्ज को कौन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में वायर्स प्रोड्यूस करती हैं लेकिन दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड वायर्स नेगेटिवली चार्ज्ड वायर्स ये भी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है स्पेशली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नेगेटिवली चार्ज्ड वायर्स हैं जो कोरोना को प्रोड्यूस करती हैं और कोरोना से फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ठीक है नन ऑफ दीज आंसर है बेटा अगर हम एनसीईआरटी को देखो इसमें आपकी गलती नहीं है अगर आपको कोई स्टेटमेंट नहीं पता तो इस आपका फर्ज है कि आप जाओ और आप एनसीईआरटी को दोबारा से वो लाइन अंडरलाइन कर लो अच्छा मुझे ये नहीं पता थी यही फायदा है टेस्टों का स्टेटमेंट वन टू वाला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मस्ट बी हाई स्टेटमेंट टू इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर द ग्राउंडेड प्लेट्स आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज क्वेश्चन नंबर एट आप लोगों के आंसर का वेट कर रही हूं मैं आइए चेक करते हैं विलॉसिटी ऑफ एयर जो है वो स्लो होनी चाहिए तभी वो चार्ज्ड जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो पाएंगे प्लेट्स के ऊपर अगर आप तेजी से हवा निकाल देंगे तो वो ग्राउंडेड प्लेट पे कैसे चिपकेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत है एनसीईआरटी की स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया हुआ है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ग्राउंडेड प्लेट्स आर ऑलवेज जीरो भी चीज अगर ग्राउंडेड होती है तो इट इज नॉट चार्ज्ड तो ये स्टेटमेंट भी गलत है आंसर बन गया टू बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग क्वेश्चन नंबर नाइन द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज एनसीईआरटी में दिया हुआ है छोटी सी लाइन में उसके लिए तो आपको टाइम भी लगने नहीं चाहिए एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज ओवर 99% नाइन परसेंट एन की लाइन आपको एज सच याद होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन पहले दस क्वेश्चंस हम खत्म करने लगे हैं हमारे पचास क्वेश्चंस में से मार्क ए बी सी डी इन द गिवन डायग्राम ये डायग्राम आई होप आपको क्लियरली नजर आ रहा है Mark A, B, C, d in the given diagram so aisa question aap ऐसा mein आप kar में hain कर सकते हैं ठीक है ये ना तो मुश्किल है ना ye आसान है level का question है ठीक है जो A है वो यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर है जो कि यहाँ पे आके गिर जाता है सो ए मस्ट बी अवर पार्टिकुलेट मैटर जो बी है वो water या लाइम का स्प्रे है तो ये हमारा आंसर बन गया ठीक है जो सी है वो क्लीन एयर है और जो डी है वो डर्टी एयर है जो यहां से अंदर जा रही है सो so, हमारा आंसर बन गया टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम गिवन बिलो ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है ना ये मुश्किल है ना ये आसान है मीडियम लेवल का क्वेश्चन है आइए इसमें एक एक स्टेटमेंट देखते हैं वेलोसिटी बेटा इसलिए स्लो होनी चाहिए प्लेट्स के बीच में प्रभु ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो से जो घिरे हुए जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इजीली सेटल हो सके प्लेट्स के ऊपर

दे सकती हूँ मैं तो मुझे पता चलता रहता है किस बच्चे के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं फिर आपके टॉप टेन जो बच्चे हैं वो पर डिस्प्ले होते हैं तो पर क्लियरली नजर आता है और बच्चे कौन अच्छा कर रहे हैं कौन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सो दैट इज़ मोर मोर एंड सो आप लोग जितनी स्पेशल क्लासेस लगा सकते हैं उतनी ज्यादा स्पेशल क्लासेस लगाइए और मैं सिर्फ स्पेशल क्लासेस में क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराती हूँ ठीक है इसी प्रकार के जो नीट में आ सकते हैं या नीट से भी डिफिकल्ट होंगे ये ट्रू है

2.5 पीएम 2.5 से जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो नहीं कोई भी ना तो स्क्रबर रिमूव कर सकता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर प्रेसिपिटेटर रिमूव कर सकता ठीक है ये तो रिमूव होंगे होंगे नहीं सल्फर डाइऑक्साइड बेटा वहां से रिमूव हो सकती है आपके स्क्रबर से यहां से नहीं होती इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से नहीं होती चलिए सीपीसीबी स्टैंड्स फॉर इजी क्वेश्चन CPCB stands for CPCB stands for Central Pollution Control Board. इसको ध्यान रखना ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है बहुत इजीली. ये बकवास ये बकवास ये बकवास चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन ब्लैंक्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पार्टिकुलर मैटर ऑफ साइज डैश और ह्यूमन हेल्थ हमने कहा PM है। लेकिन पीएम टू पॉइंट फाइव का मतलब क्या है क्या ये एम mm एम है ये एन एम है ये माइक्रोमीटर है क्या है ये आंसर कीजिए कौन सा पार्टिकुलेट मैटर का साइज सबसे खतरनाक होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए ज्यादातर बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं इट इज टू पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर इट इज नॉट एनएम एम इट इज नॉट एम एम माइक्रोमीटर इज टेन रेस्ट टू पर माइनस सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट आपको चारों स्टेटमेंट देखनी है मैं नहीं पढ़ूंगी आप खुद पढ़िए और आप मुझे बताएंगे कौन से करेक्ट नहीं है आप क्वेश्चन नंबर फोर्टीन लिख के आंसर कीजिए क्वेश्चन फोर्टीन लिखिए फिर आप आंसर कीजिए ताकि मुझे आपके आंसर्स मिल सके सयोनी कह रही है क्वेश्चन जगदीश कह रहे फोर आंसर है प्रदीप कह रहे वन आंसर है दुआ कह रही है ए आंसर है आओ चेक करते इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज कोई भी करेक्ट नहीं है अब क्यों नहीं है आइए देखते हैं कैटलेटिक कन्वर्टर्स कन्वर्टर्स आर फिटेड विद एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक प्लैटिनम पैलेडियम एंड रोडियम नेवर गोल्ड फ्यूल्स यूज इन ऑटोमोबल्स आर रिच इन लेड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग पॉल्यूटेंट नो लेड तो पोल्यूटेंट्स को इंक्रीज कर देता है

पता चल सके कौन सी गलत है कौन सी सही है और अगर आपका कोई नहीं पता चला है तो मैं चाहती हूं आप एनसीईआरटी खोल के उस पर अभी के भी मार्क कर लो एक बार या कहीं पे लिख लो बाद में मार्क कर लेना एनसीआरटी एकदम से तो नहीं मार्क कर पाओगे ठीक है ये गलतियां आपने कहीं ना लिख लेना एनसीआरटी में मार्क कर लेना बाद में स्टेटमेंट वन टू का क्वेश्चन है पढ़िए तो मैंने भी तो माइक्रोमीटर बोला है प्रभु माइक्रोमीटर इस तरीके से लिखते हैं ना माइक्रोमीटर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स आई होप आपने स्टेटमेंट्स अभी तक पढ़ ली है देखते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है

इट्स अ बैड गैस इट्स अ पॉल्यूटेंट तो पॉल्यूटेंट को क्यों रिलीज करेंगे हम एयर में दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं बोथ स्टेटमेंट एंड आर इनकरेक्ट आप लोग देख रहे हो कि गलतियां हो जा रही हैं चैप्टर पढ़ने के बावजूद भी गलतियां हमारी हो जा रही हैं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा गलतियां हो जा रही हैं तो इससे हमें यह नहीं सोचना है कि हमारी तैयारी नहीं है चैप्टर की आपकी तैयारी है चैप्टर की आपको उस तैयारी को बस और अच्छे लेवल तक लेके जाना है इससे आपको डीमोटिवेटेड नहीं फील करना है आपको बस और बेटर तैयारी करनी है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन इज लेबल्ड अच्छा ए का क्वेश्चन है पढ़िए आप पढ़िए तो मैं फिर सॉल्व करती हूं विनोद कह रहे हैं थ्री आंसर है आकांक्षा कह रही है ए आंसर है मिस्टर खान कह रहे हैं टू आंसर है सिक्सटीन का पूछ रही हूं बेटा मैं। सैनी कह रही है वन 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 आंसर ही है, है भी सही कैटलेटिक कन्वर्टर्स हेल्प इन रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, ये भी सही है कि कैटलेटिक कन्वर्टर्स कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इंटू नाइट्रोजन गैस तो ये इसका रीजन भी है कैसे ये पॉइजनस गैसेस को देखो बिकॉज लगा के देख लेते हैं

कैटलिटिक कन्वर्टर इन एन ऑटोमोबाइल इज नॉट वर्किंग वट वुड बी द रीजन बिहाइंड दैट सयोनी का आंसर सही है जगदीश का सही है स्नेहा का सही है शर्मिका का सही है पूर्वानशी का सही है बशरथ का सही है बेटा अगर आपका कैटेलिटिक कन्वर्टर नहीं काम कर रहा तो आपके पेट्रोल या डीजल में लेड है लेड जो कि आप पेट्रोल या डीजल जो भी फ्यूल आप यूज कर रहे हो लेड अगर उसमें है तो वो आपके कैटालिटिक कन्वर्टर के जो कैटालिटिक वो जो पार्ट है उसको इनएक्टिवेट कर देता है कै, कै, इनएक्टिवेट कर देता है ठीक है सो इसका आंसर है फोर्थ अट्ठारवा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन टू पहले आप पढ़िए फिर मैं सॉल्व करती हूं कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत है आइए बात करें लीड टू फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस ये एनसीआर की लाइन है तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्रॉनिक एक्सपोजर टू लोअर नॉइज में परमानेंटली डैमेज हियरिंग एबिलिटीज ऑफ ह्यूमंस ये भी एनसीआर की लाइन है और ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं आंसर इज वन वेन बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ए आर का क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ेंगे पहले आप पढ़िए फिर मैं सॉल्व करती हूं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन लिख के आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन लिख के आंसर करेंगे स्टार्ट करते हैं जी पूर्वानशी का गलत है जितेंद्र का गलत है नैन्सी नहीं 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 सही है सही है सही है सही है सॉरी 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 पूर्वान्शी का सही है जितेंद्र का सही है सही है सही है सही है सही है सही है आओ देखते सी एनजी इज बेटर देन डीजल एज अ फ्यूल ये ट्रू है CNG burns more बर्न्स मोर unlike एंड अनलाइक डीजल वेरी it ऑफ इट unburnt. लेफ्ट अनबर्न ये भी सही है और ये इसका रीजन भी है वाई a better fuel? इज अ बेटर फ्यूल हालांकि उसके बहुत सारे रीजनज हैं लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो डेली गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी जो पब्लिक बसेज हैं वो सारी सी एन जी पर डालिए डीजल से हटा के वो क्यों कहा था मेन रीजन यही था कि सीएनजी बर्न मोर एफिशियंटली तो पोल्यूशन कम करती है ये एंड अनलाइक डीजल वेरी लिटिल ऑफ इट इज लेफ्ट अनबर्न तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन एयर में नहीं जाते ये यही रीजन है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्टेटमेंट वन टू क्वेश्चन है आप पढ़िए फिर मैं सॉल्व करती हूं आइए देखते हैं भारत स्टेज फोर नॉर्म्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड ओनली इन थ्री सोनी कह रही है इसका आंसर थ्री होना चाहिए स्टेटमेंट वन करेक्ट और स्टेटमेंट टू इन करेक्ट आओ चेक करते हैं सोनी आप सही हो या नहीं इन ओनली थर्टीन मेगा सिटीज ये गलत है अगर आप अपनी लेटेस्ट एनसीआर देखेंगे और लेटेस्ट एनसीआर और पुरानी एनसीआर में इस चैप्टर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं तो अगर आप पुरानी एनसीआर से पढ़ रहे हैं तो या तो आप नई एनसीआर ले लीजिए या फिर आप जाके डाउनलोड कर लीजिए एनसीआर ठीक है ये साइट्स पे मिल जाते हैं गवर्नमेंट की साइट्स पे आप इस चैप्टर को लेटेस्ट एन से ही पढ़िए अभी जो भारत स्टेज फॉर्म जो नॉर्म्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया लग चुके हैं वो अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेगा सिटीज में है 2017 के बाद से ही ऑल ओवर इंडिया लग चुके हैं दूसरा मेन प्रॉब्लम विथ स्विचिंग ओवर टू सी इज सी सीएनजी इज बिट कॉस्टलियर एक्चुअली सी इज चीपर सो मेन प्रॉब्लम ये है ही नहीं दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं आंसर इज टू ठीक है आंसर इज टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वन टू का क्वेश्चन है आइए आप पढ़िए फिर मैं सॉल्व करती हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर फिर इसका आंसर भेजेंगे बहुत मिक्स्ड आंसर है इसके ए बी सी डी सब कुछ ही दे दिए बच्चों ने आए देखते हैं इन नाइनटीन नाइन्टीज डेली वॉज फोर्थ अमन फोर्टी वन मोस्ट वर्ल्ड सबसे गंदे सिटीज में से सबसे ग्रीन सिटीज में से नहीं तो मैंने एनसीआरटी की स्टेटमेंट को चेंज कर दिया में लिखा है, मैंने compressed natural gas by the end of 2002, not 2010. हालांकि मुझे नहीं लगता कि नीट में इतना मुश्किल और गंदा क्वेश्चन आएगा लेकिन क्योंकि कोई भी चीज एनसीआरटी में दी है तो उसको छोड़ नहीं सकते तो 2002 के अंत तक सीएनजी में हो गई थी ट्रांसफर ठीक है जी सो so, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं थोड़ा सा ध्यान से बाबूजी जरा बच के एयर का क्वेश्चन है कीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू लिखिए और फिर आंसर कीजिए क्लास आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप उन्हें भी चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सो दैट दे आल्सो नो कि उनकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है डू शेयर इट अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है अगर आपको ये चैप्टर क्वेश्चंस ये अच्छे लग रहे हैं तो आप ये क्लास को लाइक like कर सकते हैं आइए देखते हैं सीएनजी एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबल्स इज मच बेटर एज कंपेयर टू पेट्रोलियम डिराइव फ्यूल स्टेटमेंट है सी एन जी इज अ बेटर फ्यूल ठीक है सी एनजी इज इजली अवेलेबल एंड हैज्रप्टेड सप्लाई एक्चुअली ये गलत स्टेटमेंट है सी एन जी के बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि सी एन जी सस्ती है CNG, uh, को चोर नहीं चुरा सकते सी एन जी जब यूज uh, होती है तो वो फॉर्म में यूज होती है सी एनजी अनबर्नड क्या कहते हैं कार्बन पार्टिकल्स नहीं छोड़ती हाइड्रोकार्बन पार्टिकल्स नहीं छोड़ती और एक और रीजन था सी का hmm. कोई बात नहीं थर्ड फोर्थ रीजन मुझे याद नहीं आ रहा है बट देर आर थ्री फोर रीजन CNG का नुकसान ही एक ये है कि इसकी हमें पाइपलाइंस प्रॉपर नहीं अभी तक बिछी हैं, अभी तक अन इंटरप्टेड सप्लाई नहीं हुई है सी एनजी इज नॉट ईजिली अवेलेबल सो ये रीजन गलत है आंसर इज फ्री समझ गए आप लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट वन टू ध्यान से पढ़ेंगे ध्यान से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा स्टेटमेंट गलत है या सही है अगर जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो नहीं पता कर पाएंगे आप आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का सयोनी कह रही हैं कि दो है दोनों स्टेटमेंट गलत है और कोई कुछ कहना चाहता है ट्वेंटी थ्री का जितेंद्र कह रहे हैं थ्री है आओ देखते हैं यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सल्फर एप्लीकेशन ऑफ लेवल नॉर्म्स फॉर ऑटोमोब फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन सिटी बेटा सल्फर के अमाउंट को हमने कम करना है बढ़ाना नहीं है लेड को कम करना है सल्फर को कम करना है एरोमेटिक कंपाउंड्स के अमाउंट को कम करना है हमें वी डोंट हैव टू इंक्रीज इट ठीक है मेन प्रॉब्लम विद स्विचिंग ओवर टू सी इज द डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइंस टू डिलीवर सीएन जी यहां तक तो बात सही थी एज इट मे बी साइफंड ऑफ फ्रॉम दीज पाइपलाइंस लाइन सी नॉट बी साइफंड ऑफ सीएनजी को चुराया नहीं जा सकता क्योंकि सीएनजी जब यू you नो know, आप चुराओगे तो गैशियज फॉर्म में चुराओगे तो गैशियज फॉर्म में कैसे चुराओगे किस में भरोगे गुब्बारों में भरोगे सीएनजी इज नॉट अ लिक्विड व्हेन यू ट्राई टू स्टील इट ऑफ समझ गए ओ गॉड मैंने अपना फोन फेंक दिया है लेट मी इफ इट्स ऑल राइट सही है सही है सही है सही चल रहा है बढ़िया चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस की आप ये खुद भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं घर में बैठ के दोबारा से अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं सॉल्व करने के लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी रितु रतवाल ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल है यू कैन गो देयर यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन गेट दिस पी और आप अभी ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं अभी पी डालूंगी इसका यूरोम्स स्टिप्युलेटेड द सल्फर टू बी कंट्रोल्ड एट डैश इन पेट्रोल एंड डैश इन डीजल यूरो थ्री नॉर्म्स ने कहा था कि पेट्रोल में इतना सल्फर होना चाहिए और डीजल में इतना ही प्योरली रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है एनसीआर में डीजल पहले दिया हुआ है पेट्रोल बाद में दिया हुआ है तो मैंने उसको इंटरचेंज कर दिया और कुछ नहीं है पेट्रोल में वन फिफ्टी पीपीएम और डीजल में थ्री फिफ्टी पीपीएम तक हमें रोकना है पार्ट पर मिलियन तक रोकना है सल्फर को और आगे जाके हमें इसको और कितना कम कर देना फिफ्टी पार्ट पर मिलियन मिलियन तक पीपीएम तक लेके जाना है ठीक है लेकिन ये वैल्यूज हमें अभी के लिए याद होनी चाहिए बहुत सारे बच्चे टू आंसर कर रहे हैं टू क्यों आंसर कर रहे हो बेटा टू क्यों आंसर कर रहे हो आप लोग आप लोग इसलिए आंसर कर रहे हो क्योंकि आपको याद है कि पहले थ्री फिफ्टी लिखा है एनसीआरटी में बाद में वन फिफ्टी लिखा है लेकिन एनसीआरटी में पहले डीजल के लिए लिखा हुआ है बाद में पेट्रोल के लिए लिखा हुआ है समझ रहे हो इसलिए इसका आंसर टू नहीं है समझ में आ गया आपको यही तो बेटा ट्रिक्स हैं जिससे कि आपको बेवकूफ बना सकता है एग्जामिनर यही तो आपको बेवकूफ नहीं बनना है स्टेटमेंट वन टू का क्वेश्चन है पहले आप लोग पढ़ लीजिए चलिए 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 आइए दोनों स्टेटमेंट्स चेक करते हैं भारत स्टेज फॉर्म वाज इंप्लीमेंटेड फॉर थ्री व्हीलर्स थ्रू आउट द कंट्री इन 2017 पूरे थ्रू आउट द कंट्री चाहे वो फोर व्हीलर्स हो चाहे वो थ्री व्हीलर्स हो चाहे वो टू व्हीलर्स हो सभी के लिए थ्रू आउट द कंट्री 2017 में लगे थे ठीक है भारत स्टेज फॉर नॉर्म्स अ नॉम्सेंशियल राइज इन सीओ टू एंड लेवल एंड टू थाउजेंड फाइव एक्चुअली सब्सटेंशियल डिक्रीज मिला है 1997 से 2005 के बीच में इनका लेवल गिरा है दिल्ली में बढ़ा नहीं है ड्यू टू चेंजेस जो कि दिल्ली सरकार ने लगाने की कोशिश की थी ठीक है जी सो so, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं 25 का टू आंसर बनेगा बेटा अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि आंसर कुछ और होना चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अगर मैं आपके कमेंट्स पढ़ पाती हूं जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपको एनसीआर का पेज नंबर और लाइन नंबर मेंशन करने की कोशिश करूंगी कि देखो इस लाइन में देखो ये लिखा हुआ है अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लग सकते हैं नहीं मैम ऐसे तो नहीं मैंने पढ़ा था ऐसे होता है तो आप अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट जरूर करना मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको एनसीआर का पेज नंबर और लाइन नंबर मैं या मेरी टीम में से कोई आपको मैंशन कर देंगे फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉर द स्टेटमेंट अ ब्रीफ एक्सपोजर टू डैश और मोर साउंड लेवल्स में कॉज इंपेयरिंग ऑफ हेयरिंग एबिलिटी बाय डैमेजिंग अवर ईयर एनसीआरटी में लाइन है एक सौ पचास डेसिबल कि साउंड आपके सुनने की एबिलिटी को इंपेयर कर सकती है जैसे कि जब एक जेट टेक ऑफ करता है तो इतना साउंड वो प्रोड्यूस करता है तो वो आपके सुनने की एबिलिटी को खराब कर सकता है एनसीआरटी की लाइन है ये बेटा एनसीआरटी की लाइन है अपनी तरफ से नहीं मारनी है बातें स्टेटमेंट वन टू का क्वेश्चन है अब क्वेश्चन से आप लोग पहचान रहे हो कि हम लोग वाटर पोल्यूशन की तरफ बढ़ चुके हैं एयर पोल्यूशन खत्म कर चुके हैं हम ट्वेंटी सेवन लिख के आंसर करेंगे आइए देखते हैं पॉइंट वन परसेंट ऑफ इम्प्योरिटीज मेक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज ये ट्रू स्टेटमेंट है ये ऐसा आपकी एन सी आर टी में लिखा हुआ है कि सीवेज मोस्टली वाटर ही होता है नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट लेकिन पॉइंट वन परसेंट उसमें इम्प्योरिटीज होती है वही इंप्योरिटीज सीवेज को यूज़ नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स उसके बाद उसको वो इम्प्योरिटीज़ तीन प्रकार की होती हैं सस्पेंडेड सॉलिड कोलोइडल मैटर और जो न्यूट्रियट्स होते हैं ठीक है ठेके? तो जो नाइट्रेट फॉस्फेट वगैरह है वो कोलाइडल इंप्योरिटीज हैं ये गलत है वो कोलाइडल इंप्योरिटीज नहीं है आर न्यूट्रिएंट्स कोलाइडल इंप्योरिटीज में आपका फीकल मैटर एक्सक्रीटा पेपर क्लॉथ ये सब आ जाएगा सो फर्स्ट इज करेक्ट सेकेंड इज नॉट करेक्ट आंसर थ्री बनना चाहिए मानसी बीओडी स्टैंड फॉर ईज़ी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपको नीट में आ सकता है अगर कोई ईजी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आ सकता है फॉर इसमें ज़्यादा कुछ सोचने के लिए है नहीं इट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये क्वेश्चन है थोड़ा सा सोचने का चेंबर ए का बीओडी 129 है और चेंबर बी का बीओडी 50 है ठीक है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ए का बीओडी वन ट्वेंटी नाइन एंड इसका फिफ्टी है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको नीट में बीओडी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल

BOD का डिजोल्व ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली लेकिन इनडायरेक्टली है जितना ज्यादा BOD होता है वहां पे उतना ही ज्यादा बैक्टीरियल एक्शन होता है ठीक है अगर वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो तो वो उन माइक्रो जो माइक्रोब है वो उस ऑर्गेनिक मैटर को खाता है और उस प्रोसेस में उतनी ही ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर लेता है तो जिसका वाटर बॉडी का BOD जितना ज्यादा होगा वहां आपको ऑक्सीजन लेवल्स उतने ही कम मिलेंगे ठीक है बट इस क्वेश्चन में रेलिवेंस नहीं है क्योंकि यहां पे हमने माइक्रोब्स के बारे में कुछ भी बोला नहीं हुआ है और अगर माइक्रोब्स के बारे में बोला भी जाता कि इसमें हमने माइक्रोव छोड़ रखे हैं तो फिर भी इसका ओटू कम आएगा क्योंकि इसका ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो ऑक्सीजन लेवल इसके कम होंगे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीएथ क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं कैसा लग रहा है आपको ये क्वेश्चंस करके आपको अपनी तैयारी के बारे में कैसा फील हो रहा है स्टेटमेंट वन एंड टू ये भी जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योर प्रेपरेशन कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताते जाएंगे

फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन क्ले को मिट्टी को पॉलिथिन को इनको निकालते हैं ऑर्गेनिक मैटर को नहीं निकालते ऑर्गेनिक मैटर का जो रिमूवल है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग चलिए स्टेटमेंट वन टू के क्वेश्चन है इस क्वेश्चन प्रैक्टिस का मोटिव लोगों को 2023 के लिए तैयार करना है क्योंकि वहाँ पे रीजन और स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हमने 2022 में देखा इतने ज्यादा हैं और बच्चे उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे सो so, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग प्रिपेयर होके जाओ इस बार क्वेश्चन नंबर थर्टी आइए चेक करते हैं डोमेस्टिक सीवेज जो है जो पानी गंदा पानी आपके घरों से हॉस्पिटल से जो ऑफिस से निकलता है इट एक्चुअली प्राइमरली कंटेन ऑर्गेनिक मैटर ये, ये कहा लिखा है ये आपकी एनसीआरटी की समरी में लिखा है कि आपके सीवेज में ज्यादातर ऑर्गेनिक मैटर होता है आप अगर समरी नहीं पढ़ेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन नीट में गलत हो सकते हैं और पीछे के क्वेश्चन यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या है इन सीवेज के नॉट बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग बीओ मैं स्टेटमेंट को चेंज करना चाह रही हूँ क्योंकि स्टेटमेंट में टाइपिंग मिस्टेक है नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए या तो ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए या नॉन बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए ठीक है मैटर होना चाहिए तो मैं मान लो um, इसको हटा देती हूँ नॉन बायोडिग्रेडेबल को हटा देती हूँ तो बचेगा क्या अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज कैन नॉट बी एस्टिमेटेड तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय बी ओडी ठीक है सो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक ये नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का ए आर आइए देखते हैं बेटा ये एक एक क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत मेहनत की जाती है हमारी तरफ से आई होप इसका आपको पूरा फायदा पहुंचे ए आर आप लोग पढ़िए फिर मैं सॉल्व करती हूं

ऑर्गेनिक को यूज़ कर लेता है खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए बिल्कुल सही है और इसका रीजन भी है ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ये एनसीईआरटी की फोटो है आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे वन टू थ्री फोर में से ऑप्शन में बताएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री लिखेंगे और फिर अपना आंसर देंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का आंसर वेट कर रही हूं मैं सुनीति कह रही हैं इसका थ्री है सोनाक्षी कह रही हैं थ्री है मुस्कानप्रीत कह रही हैं ए है ए बी एस एस कह रहे हैं थ्री है राशिद थ्री जितेंद्र थ्री जगदीश थ्री आकांक्षा थ्री बेटा ये एल्गल ब्लूम की ही फोटो है प्लीज अपने एनसीआर के डायग्राम्स को प्यार से आराम से पढ़ के जाएंगे उनके नीचे क्या लिखा है ध्यान से देख के जाएंगे नहीं तो हमें नुकसान हो सकता है नीट 2023-2024 में इट इज द व्यू ऑफ एन एलगल ब्लूम इट इज नॉट अबाउट डीडीटी इट इज नॉट अबाउट हीटेड वेस्ट वाटर नॉट अ मार्श मेडो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वन टू क्वेश्चन थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर के आंसर्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे कॉमेंट सेक्शन में पूर्वांशी का सही है ये आंसर जगदीश का सही है एडवर्ड स्टार्क का सही है कुमकुम -कुम का सही है स्नेहा का सही है मुस्कान प्रीत का सही है आओ देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ब्लूम फॉर्मिंग एक्चुअली में फिश फिश पॉपुलेशन को डिक्रीज करते हैं ठीक है जी इंक्रीज नहीं करते हैं एल्गे बढ़ जाते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है ज्यादा ठीक है ऑर्गेनिक मैटर जब ज्यादा बढ़ जाता है तो बैक्टीरिया तो उस ऑर्गेनिक मैटर को खाने लगता है और बहुत सारी ऑक्सीजन यूज करता है इस प्रोसेस में इसीलिए वो ऑक्सीजन वाटर बॉडी में कम हो जाती है और फिश मरने लगती है एनसीईआरटी की लाइन है ये एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लूम नहीं कहते की ग्रोथ को एल्गल ब्लूम कहेंगे ना आइशोर्निया क्रेस्पिस क्या है वॉटर हाइसेंस दोनों स्टेटमेंट गलत थी वो ए आर का क्वेश्चन है आ जाइए फिर से आइशोर्निया क्रेसपिस पे थर्टी फाइव करके आंसर करेंगे जल्दी से थर्टी फाइव करके अपना आंसर दीजिए मैं वेट कर रही हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियोस के लिए सुनीति कह रही हैं वन मीनू कह रही हैं वन स्नेहा वन आकांक्षा वन एबीएसएस बी वन जगदीश वन मीनू वन राशिद वन डॉक्टर खान ये पता नहीं कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे हैं डॉक्टर खान आइए चेक करते हैं आइशॉर्निया क्रैसपिस को वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड कहते हैं एनसीआरटी में लाइन है ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये भी ट्रू है और ये इसका रीजन भी है आइशॉर्निया क्रैसपिस जो है वो ऑफसेट की हेल्प से ऑफसेट की मदद से बहुत जल्दी वेजिटेटिवली ग्रो करता है इतनी जल्दी वो ग्रो करता है कि हम इसको उखाड़ नहीं पाते उससे पहले ज्यादा ग्रो कर जाता है और इसने हमारे वाटरवेज़ सारे ब्लॉक कर डाले हैं इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है आंसर इज वन स्टेटमेंट वन टू का क्वेश्चन है फिर से चलिए थर्टी सिक्स करके मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूं आप लोगों से थर्टी सिक्स का आंसर नहीं मिला है मुझे अभी तक क्या हुआ हुमायरा कह रही है थर्टी सिक्स का फोर है मीनू कह रही हैं ए है, है एडवर्ड स्टाक कह रहे हैं ए है मिस्टर खान कह रहे हैं दो है सोनाक्षी कह रही हैं एक है सुमित्रा दो बायो बाबा तीन जितेंद्र एक मानसी एक मुस्कानप्रीत एक सुपर सॉन्ग्स एक एक्चुअली वन ही है इसका आंसर ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं सीवेज फ्रॉम होम्स एंड हॉस्पिटल्स उनके अंदर बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसा एनसीआर में लिखा है एंड इट्स डिस्पोजेबल डिस्पोजल इन विदाउटेज ये सही स्टेटमेंट है सेंटीमीटर क्यूब यही भी सही स्टेटमेंट है दोनों ही सही हैं इसका आंसर वन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन हां कथानशी मैंने पहचान लिया आपको आप अपने बैचमेट्स को कथानशी बोल सकते हो ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ठीक है सो दैट दे विल ऑल्सो नो कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है और उनको कहां इंप्रूव करने की जरूरत है स्टेटमेंट वन टू का क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्टी सेवन करके आंसर्स चाहिए अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है सुनीति कह रही है टू बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर रॉन्ग हुमायरा कह रही हैं टू जगदीश कह रहे हैं टू आओ चेक करते हैं क्या है ये टू ही है डोमेस्टिक सीवेज में टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं गलत बात है डोमेस्टिक Do सीवेज में मेनली ऑर्गेनिक मैटर होता है जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स में होते हैं ठीक है जैसे पेपर मेकिंग इंडस्ट्री और बहुत सारी और इंडस्ट्रीज में ठीक है टेरर ऑफ बंगाल एक एग्जॉटिक वीड है ये सही बात है कॉजिंग सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं बेटा ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या एलर्जीज नहीं कॉज करता जो आपका एक्जॉटिक वीड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और एलर्जीज कॉज करता है उसका नाम है कांग्रेस ग्रास पार्थिनियम ठीक है आयशॉर्निया क्रैस्पिस की दिक्कत अलग है वो वाटरवेज ब्लॉक कर देता है दोनों ही गलत हैं थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैवी मेटल सिंपल क्वेश्चन मैं चला नेक्स्ट ड्रॉप लेने अरे नहीं बेटा अभी हमारे पास चार महीने हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है बेटा क्लोरीन नहीं है इनमें से बाकी एनसीआरटी में दिए हुए हैं तो अगर एनसीआर में दिए हुए हैं तो अपने को पता होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड थर्टी नाइन का आंसर मैं वेट कर रही हूं थर्टी नाइन का आंसर मैं वेट कर रही हूँ बेटा बायो बाबा कह रहे हैं फोर जितेंद्र कह रहे हैं टू दक्ष कह रहे हैं टू स्वाति कह रही है टू आकांक्षा कह रही हैं टू सोनाक्षी कह रही हैं टू अभी तक सिर्फ एक या दो बच्चों ने ही सही आंसर दिया है इसका आंसर नन ऑफ दीज है

आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़ाने के लिए आप जितना ध्यान से देखेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा ध्यान से देखने की जितनी आपकी हैबिट बढ़ेगी उतना ही ज्यादा आपको एग्जाम में फायदा होगा बायो मैग्निफिकेशन इज वेल नोन फॉर इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को दिल पे नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन पे इससे पहले वाला कि गलत क्यों हुआ इसको सिंपली ध्यान रखना है कि और ध्यान से पढ़ना है और कोई बात नहीं है 40th का आंसर बायो इज वेल नोन फॉर ये तो इजी क्वेश्चन है exactly एग्जैक्टली ऐसा कैसा उठ के नीट में भी आ सकता है बोथ वन एंड टू मर्क्यूरी और डीडीटी दोनों का ही एग्जाम्पल एनसीआरटी में दिया हुआ है बोथ वन एंड टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब्स डिस्टर्ब डैश इन बर्ड विच कॉजेज डैश मैं वेट कर रही हूं फोर्टी वन का <coughs> किसके मेटाबॉलिज्म में दिक्कत करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी एनसीईआरटी एनसीआरटी की लाइन है और उससे क्या हो जाता है फोर्टी वन बायो बाबा कह रहे हैं थ्री सोनाक्षी कह रही है फोर टीके कह रही है डी मुस्कान प्रीत कह रही है डी ए बी एस एस डी देवेंद्र थ्री रुकैया फोर एडवर्ड फोर सियोनी फोर आओ देखते हैं। बेटा ये डिस्टर्ब करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को पहली बात तो फास्फोरस मेटाबॉलिज्म को नहीं करता NCRT में दिया हुआ है है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है उसकी वजह से प्री मेच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग्स हो जाती है तो बेटर आंसर हमारा ये है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड थिनिंग ऑफ एक्शल फोर्टी टू स्टेटमेंट वन टू आपके जवाब का वेट है आपके जवाबों का वेट है बेटा फोर्टी टू लिख के फिर आंसर करेंगे सोनाक्षी कह रही हैं वन केशव कह रहे हैं थ्री व्लादिमिर कह रहे हैं थ्री मुस्कान प्रीत कह रही हैं टू माधवी वन रितिका फोर राधा सी सानिया टू केशव थ्री जगदीश सी रिया फोर्टी थ्री आओ चेक करें बहुत ही कम बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया है किमनाज बेटा ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है किमनाज ने सही उत्तर दिया है मुस्कान प्रीत ने सही उत्तर दिया है ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है शन में अल बिकम अस्ट इवेंचुअली मीजो मीजिक कंडीशन आती है बेटा कभी भी डेजर्ट वाली कंडीशन नहीं आती है ठीक है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाटर वाला एक्ट जो था वो 1974 में पास किया था 1984 में दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं. ये कहां से आए ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में आपको पता होना चाहिए बेटा जब भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा अगर वो लेक से शुरू है तो भी म्यूजिक कंडीशन में आएगा फॉरेस्ट में आएगा अगर वो बड़े बड़े पत्थरों से है तो भी वो टूट टूट के म्यूजिक कंडीशन में ही आएंगे फॉरेस्ट ही बनता है बीच वाली कंडीशन बनती है डेजर्ट नहीं बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोएस्ट ऑफ क्वेश्चन के उत्तरों का वेट है अच्छा नवजोत मैंने आपका आंसर नहीं देख पाया बेटा फोर्टी थ्री सुनीति कह रही हैं टू केशव कह रहे हैं टू राशिद कह रहे हैं थ्री सुपर सॉन्ग्स टू हमारा टू सानिया वन जगदीश सी देखो बेटा सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन होगी जू प्लैंकटन में लीस्ट पूछा है ना फिर उसके बाद होगी स्मॉल फिश में सबसे कम इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर लार्जर फिश को बर्ड्स खा देंगे सबसे ज़्यादा होगी बर्ड्स में कितनी होती है ट्वेंटी फाइव आई थिंक पार्ट्स पर मिलियन में चली जाती है तभी इनका ब्रेकिंग ऑफ एग एगशेल्स हो जाता है थिनिंग ऑफ एग एगशेल्स प्रीमेच्योर ब्रेकिंग हो जाता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है इनका आंसर बन गया टू फोर्टी फोर स्टेटमेंट वन टू का क्वेश्चन है उठाइए क्या क्या ही उठाना है कलम तो नहीं उठानी पढ़ो और बताओ ये सिल्ट होना चाहिए स्लिट नहीं है सिल्ट है ये एस आई एल टी सिल्ट मिट्टी फोर्टी फोर लिख के आंसर करेंगे फोर्टी फोर लिख के आंसर करेंगे अगर आपको ये क्वेश्चंस लगते हैं कि आपकी तैयारी में इम्प्रूव करेंगे हमारे बैचेस चल रहे हैं बेटा जहाँ हमारे टीचर्स इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको रोज़ प्रैक्टिस करा रहे हैं प्लस हमारे बैचेस चल रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए सबकी थ्योरी सबकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सबकी टेस्ट सीरीज़ एक साथ चल रही है तो आप अन प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अन प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनएकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होता है आपको नीट सेक्शन पे क्लिक करना होता है नीट यू पे देन आपको अपना समय चूज करना होता है सिक्स मंथ्स वन ईयर टू ईयर वन एंड हाफ ईयर और आपको फिर नीचे कोड भरना होता है आर आई टी यू आपको कोड में भरना है आर आई टी यू जिससे आपको आपकी फीस में डिस्काउंट मिलेगा जो भी उस टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा और आप फिर वो फीस पे करके हमारे बैचेज लगा सकते हैं आइए देखते हैं ये भी गलत है ये भी गलत है यूट्रोफिकेशन इज इंक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ लेक बेटर लेक में पहले फर्टिलिटी कम होती है जब नई नई लेक बनती है फिर उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है सिमिलरली उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है शैलोअर होती है और कोल्डर नहीं होती लेक जैसे जैसे यूट्रोफिकेशन होती है लेक वार्मर हो जाती है कोल्ड वॉटर ऑर्गेजमेंट स प्लांट मतलब उनको रिप्लेस कर देते हैं ये उल्टा लिखा हुआ है दोनों ही एनसीआरटी में दिया हुआ है ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वन टू फोर्टी फाइव लिख के आंसर करेंगे केशव कह रहे हैं थ्री सयोनी कह रही हैं टू बायो बाबा कह रहे हैं वन बहुत अलग अलग भांति भांति के आंसर आ रहे हैं रुकैया कह रही हैं थ्री दिव्यांशी कह रही हैं थ्री हुमायरा कह रही हैं वन किसका आंसर सही था सबसे पहले जिस बच्चे ने आंसर दिया था उसका सही था किसने दिया था सबसे पहले थ्री आंसर दिया था एक बच्चे ने थ्री, आंसर। आओ देखते, थ्री मतलब one, है लेक एजिंग प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन कहते हैं लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी से वो एजिंग जो है वो फास्ट हो जाती है इसलिए उसको कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कल्चरल यूट्रोफिकेशन ये सही स्टेटमेंट है एनसीआर में दिया हुआ है फ्लोइंग इन टू द रिवर में पॉइजन द होल फिश पॉपुलेशन यहां तक सही है कि सर्टन पॉल्यूटेंट्स आके फिश को पूरा मार सकते हैं एनसीआर में दिया हुआ है डिक्रीज द बीओडी नहीं बेटा अगर किसी के डिकम्पोजिंग रिमेन्स हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर है अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो बीओडी बढ़ेगा बीओडी कम नहीं होगा तो ये चीज गलत हो गई आप लोगों की तो थ्री आंसर बन गया वन करेक्ट टू जो है वो गलत है नेक्स्ट फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी फैक्टर्स फैक्टर फॉर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन का प्राइमरी कौन रीजन है ये एनसीआरटी की लाइन है बेटा आप फोर्टी सिक्स लिख के आंसर दे सकते हैं सुनीति कह रही हैं थ्री बायो बाबा कह रहे थ्री सोनाक्षी थ्री केशव वन सेओनी थ्री टीके थ्री हुमाय थ्री एबीएसएस थ्री दिव्यांशी थ्री थ्री आंसर इज थ्री क्योंकि एनसीआरटी की लाइन है कि नाइट्रेट फास्फेट्स बढ़ गए किसी वाटर बॉडी में तो वहां पे प्लांट ग्रोथ बढ़ गई क्योंकि प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं अगर प्लांट ग्रोथ बढ़ गई तो प्लांट की जब डेथ होगी तो डेड बॉडीज भी बढ़ेंगी तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा तो बीओडी बढ़ जाएगा बीओडी बढ़ जाएगा तो कल्चरल यूट्रोफिकेशन बढ़ सॉरी बीओडी से ले सकते हो कॉन्सेप्ट लेकिन यह तो सीधा ही है एक्सलेटेड थोड़ा सा मैंने मिक्सअप कर दिया सीधी सी बात है नाइट्रेट फॉस्फेट्स वगैरह आएंगे तो लेक का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है बेसिकली प्लांट ग्रोथ बढ़ रही है तो उससे यूट्रोफिकेशन फास्टर हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन फोम स्टैंड फॉर एनसीआरटी में दिया हुआ है केस स्टडी में फोम स्टैंड फॉर फोर्टी सेवन का आंसर जगदीश कह रहे हैं ए केशव कह के रहे हैं सी सुनीति कह रही हैं, फोर अद्वैत कह रहे हैं फोर ये ये ही चेक करने के लिए था कि आप कितना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आंसर इज नन ऑफ दीज इट इज फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श आर्कटा में जो मार्श हैं मार्श उसके फ्रेंड्स फ्रेंड्स ऑफ एंटार्कटिका मार्श नहीं हैं इसीलिए हमें ध्यान से पढ़ना है ऐसे कैसे चलेगा बेटा ऐसे तो ना हो पाएगा ऐसा क्वेश्चन नीड नहीं देगा ये नीड से मुश्किल क्वेश्चन है बट आप लोगों को थोड़ा सा और अवेयर करने के लिए जो हमारी बिना ऑप्शन को पढ़े आंसर देने की हैबिट है उसको तोड़ने के लिए बायो बाबा कह रहे हैं ए सयोनी कह रही हैं ए सुनीति कह रही हैं ए अनामिका पता नहीं क्या कहना चाह रही हैं केशव कह के रहे हैं ए रुकैया कह रहे, हैं, ए, निखत रहे हैं, तीन ए बी एस एस एंसर ए ही है बेटा बो, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट NCRT से उठाई हुई स्टेटमेंट है पीपल ऑफ आरकटा क्रिएटेड एंड इंटीग्रेट बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीआरटी एक में जो केस स्टडी है वाटर पोल्यूशन का वहां से उठाया है इवन दिस एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट्स एनसीआरटी की 49 नाइन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये आप लोग सोचेंगे कि मैंने कहाँ से क्वेश्चन उठाया है ये आपकी समरी में लाइन है एनसीआरटी की समरी में लाइन है मैम सब्सक्रिप्शन कैसे लें बेटा आपको ऐप स्टोर पे जाके जाकेडमी अकेडमी की स्पेलिंग सही है लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है आपको वहाँ पे नीट यूजी सेक्शन पे क्लिक करना है वहां पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है नहीं तो हमारी हेल्पलाइन है बेटा वो आपको इजिली एक एक स्टेप पे गाइड कर सकते हैं ठीक है फिर आपको टाइम चूज करना है वो आपको बताएगा सिक्स मंथ्स वन ईयर एटीन मंथ्स ऐसे ऐसे फिर आपको नीचे कोड यूज करना है कैपिटल में आर आई टी यू आपको अप्लाई करना है कोड यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है फिर आपको पेमेंट करनी है फिर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं बेटा इसका आंसर है डोमेस्टिक सीवेज ये समरी की लाइन है थोड़ा ध्यान से रखेंगे इसको ठीक है नहीं, नहीं 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 ये सही है बेटा जो बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड डेवेलप्ड सीरीज ऑफ सिक्स कनेक्टेड मार्शेज ये एनसीईआरटी में है कि बायोलॉजिस्ट ने कनेक्ट वो मार्शेस को बनाया था लोकल पीपल तो उनका ध्यान रखते हैं टेक केयर करते हैं उन मार्शेस का मानसी ठीक है लास्ट क्वेश्चन ए आर है मानसी एक बार फिर से एनसीआरटी में पढ़ेंगे लाइन वो वाली आरकटा माश वाली बेटा सयोनी कह रही हैं फिफ्टी का वन होना चाहिए सुनीति भी वन कह रही हैं सोनाक्षी भी वन कह रही हैं हुमायरा भी वन कह रही है करण भी वन कह रहे हैं रुकैया वन संस्कार वन एक्चुअली वन ही है इसका आंसर बेटा दोनों करेक्ट है और ये उसका रीजन है आर्किटा मार्श में वाटर फ्लो होता है जो मार्शेज में तो अपने आप प्यूरिफाई हो जाता है नेचुरली ये ट्रू स्टेटमेंट है एनसीआर टी अप्रोप्रिएट एलगी फंजाई और बैक्टीरिया डाल दिए हमने उन मार्शिज में जो कि जो केमिकल्स जो गंदे केमिकल्स हैं मेटल्स वगैरह हैं उनको न्यूट्रलाइज और एसिमिलेट कर लेते हैं तो वो साफ कर देते हैं पानी को तो यही इसका रीजन है क्योंकि इट कैन बी प्यिफाइड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन करके बहुत अच्छा तो नहीं मुझे पता कि अच्छा लगा है या नहीं बट आई होप आपको जो डोज मिलनी चाहिए वो मिली होगी अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर तो आपको ये डोज मिली होगी कि आप सही राह पे हैं विच इज अ गुड थिंग अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो आपको ये डोज मिली होगी कि आपको और ज्यादा ध्यान से एनसीआर पढ़नी है विच इज अ गुड थिंग तो आई होप आपको फायदा हुआ है इस सेशन से आप बहुत सारे और अगर ऐसे सेशन जाते हैं तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस लगाइए स्पेशल क्लासेस हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन के साथ होती है एंड वो आपको वहां पे आपको पोल से और ज्यादा मजा आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम मैं आपको टेलीग्राम पे बता देती हूँ नेक्स्ट क्लास मेरी कब है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ऋतु रतेवाल ऑफिशियल में और अन अकेडमी का ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है चंडीगढ़ में जहाँ पे मैं भी टीच करूँगी कल उसका इनाग्रेशन है मुझसे मिलने ज़रूर आइए अगर आप चंडीगढ़ या ट्राई सिटी के रीजन में पंजाब हरियाणा कहीं पर भी हों और आप आ सकते हैं चंडीगढ़ तो जरूर आइए वी विल मीट यू विल क्लिक पिक्चर्स वी विल हैव स्ट्रैटेजिक सेशंस एज हाउ टू क्रैक नीट एंड आई विल सी यू गाइस टमोरो थैंक यू Echt.